साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज कुछ टॉपिक पे बात करूंगा मैं गल्फ में सऊदी से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये बातें यार बताना बहुत जरूरी है। अभी पहले भी मैंने एक दो वीडियो डाले हैं, अभी भी डाल रहा हूँ, और आपका भी फर्ज बनता है भाई कि जो वीडियो अगर सही लगे तो उनको शेयर कर दिया करो, ताकि कोई लोगों को कुछ तो फायदा हो सके। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा कि पूर्व पश्चिम एशिया में लगभग गल्फ में इंडिया के 1 करोड़ के लगभग लोग पॉपुलेशन रहती हैं, जो वर्क परमिट में लोग वहां काम करते हैं। ठीक है साथियों, उसमें से सऊदी में इंडिया के लगभग 26 लाख वर्कर हैं जो सऊदी में काम कर रहे हैं। और आपको पता है साथियों, सऊदी एक कट्टर मुस्लिम कंट्री है। हालांकि कट्टर का मतलब ये नहीं कि वो गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन वो एकदम पक्के जो उनके रूल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। बाकी अभी तक वहां पे बहुत पीछे है कानून के हिसाब से, जिसको आप अंधा कानून भी बोल सकते हैं। वहां पे सिर्फ नो अरेस्ट ओनली जजमेंट फैसला होता है भाई, वहां पे ऑन द स्पॉट जो सऊदी रहते हैं उन सबको पता है। और सऊदी में इंडिया के 26 लाख वर्करों में से कम से 80% लोग कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हैं, बाकी 20% ऑफिस में, मॉल में, या होटल रेस्टोरेंट, ड्राइवर बिजनेस, या कुछ का थोड़ा बहुत बिजनेस है 20%। बाकी 80% लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कुछ ड्राइवरी से रिलेटेड जॉब करते हैं। सऊदी का खौफ कानून के मामले में खौफ इतना है कि आप सोच नहीं सकते। सीधा वहां पे फैसले होते हैं भाई, अगर कई उसमें फिर गलत भी फंस जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि जो फैसले तुरंत होते हैं वो सही होते हैं, उनमें कुछ गलत भी हो जाते हैं। अब गलत क्या होते हैं मैं बता दूं आपको, कि इसी कुछ अंधे कानूनों की वजह से इंडिया के कम से कम 200 ड्राइवर वहां की सऊदी की जेलों में हैं। अगर उनको नहीं निकाला गया तो वो लाइफ टाइम अंदर वहीं मरना पड़ेगा उनको, ये तय बात है। तो आपका भी फर्ज बनता है यार, जो ड्राइवर भाई हैं उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए। सऊदी की जेलों में लोग पड़े हैं 200 ड्राइवर। उनका रीजन क्या है कि वो यहाँ से ड्राइवरी में गए थे, वहां वो गाड़ी चला रहे थे काफी टाइम से, या कैसे भी मान लीजिए, ठीक है, उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी ऑन द स्पॉट वहां पे खत्म हो गया। अब गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी, तो वहां के जो कोर्ट में जो मुकदमा होता है, सिस्टम तो सेम इंडिया जैसा ही होता है कानून, हालांकि अलग तरीके के वहां पे फॉलो होते हैं। तो वहां पे हुआ होता है क्या कि जैसे गाड़ी अरेस्ट हो जाती है, ड्राइवर अरेस्ट हो जाता है, फिर कंपनी के मालिक को, जो गाड़ी का मालिक, उनको वो मना कर देता है, मेरी गाड़ी नहीं है, इतना ही टाइम लगे, मेरी गाड़ी नहीं है, तो वो 100% इल्जाम आता है ड्राइवर के ऊपर। जी हाँ साथियों, और यही का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ में शेयर कर दूंगा, आप देखते रहिए साइड में। हमारे इधर के 3 ड्राइवर थे मेरे आसपास के 50 किलोमीटर दूरी में, दो पहले निकल चुके हैं, एक को अभी निकला है 5-7 दिन पहले। ये कहते हैं ना कि लोगों की, कि इंसान की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होता है, लेकिन नहीं भाई, कीमत होती है। पूरे 81 लाख रुपए दे के उनको छुड़ाया गया है, 81 लाख रुपए कैश दिए तब उनको रिहा किया गया है। 4 लाख धरम का, सऊदी रियाल का जुर्माना उस पर कोर्ट द्वारा लगाया गया। या तो आप 80-81 लाख रुपए वहां जमा कराओ, या जब तक बंदा मरेगा नहीं तब तक जेल में रहो। 7 साल बंदे ने जेल में काटे हैं, अभी वो निकल के आया है। और ये टोटल पैसा नहीं तो किसी इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी, नहीं कोई सऊदी गवर्नमेंट ने हेल्प करी, टोटल पैसा लोगों की हेल्प से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के, कैसे भी मान लीजिए, लोग समाज से, वो भामाशाहों ने पैसा जमा करके 7 साल की मेहनत के बाद बंदे को बाहर निकाला है नेट 81 लाख रुपए देके। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा साथ में, आप देख सकते हैं। तो एक आदमी को निकाल, एक आदमी की कीमत हो गई 81 लाख रुपए। आपको क्या लगता है हर आदमी 81 लाख रुपए देके आ जाएगा? 100% उन लोगों को वहीं मरना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करती है। और वहां की गवर्नमेंट तो बोलती है पैसा तो निकाल के लेके जाओ, उनको तो पैसा चाहिए बस। तो वहां के ये अंधे कुछ कानून होने की वजह से इतने लोग परेशान हैं। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास में सऊदी जाने वाले जो भी ड्राइवर हैं आपके पहचान के, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको माइंड में एक बात रहे कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो तो चाहे आपको घर आना पड़े, लेकिन गाड़ी न चलाएं। क्योंकि इंडिया में भी देख लो, अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, ठुक जाता है, तो पूरा जुर्माना आपके ऊपर लगता है। लेकिन इंडिया में तो यह है कि जो गाड़ी का मालिक है उस पे लगता है, वहां सऊदी में उल्टा सिस्टम है। वहां पे जो गाड़ी चला रहा था ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं थी तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ड्राइवर मालिक की जिम्मेदारी नहीं होती। तो भाई गाड़ी का, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी न चलाएं, चाहे अगला आपका जो मालिक है वो आपको घर ही भेज दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना तो ये हादसा आपके साथ हो सकता है कि आप 25-30 हजार की जॉब के चक्कर में 80 लाख रुपए, भैया इम्पॉसिबल है। गांव अपनी खेत जमीन जायदाद बेच दोगे, वही नहीं होता, इतना ही, वो भी नहीं होगा। तो इस चीजों से बचे। अभी गोविंद भाकर रताऊ जो नागौर में है, 7 साल की कैद से निकल के आया, 81 लाख रुपए 2 साल की मुहिम के बाद में यहाँ के विधायक ने, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी, किसी ने 10-20-50 हजार लाख रुपए ऐसे कर करके 2 साल में
70 से लेके 81 लाख रुपए टोटल जमा हुआ, तब जाके वो बाहर निकला है। तो प्लीज जो ड्राइवर लोगों को ये वीडियो शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, साथियों चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन दबा लें ताकि हर रोज सऊदी से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।